एक एक करके जो आप बताओ अपना नाम। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आपको पता है कैसे बनते आईएएस ऑफिसर? पढ़ा आपने? मेहनत करनी है, वेरी गुड। और स्कूल का क्या नाम है आपके? गवर्नमेंट। ओके, अगला बच्चा आप बताओ। वेरी गुड। हाँ जी, आप बताओ। आप बताओ, शाबाश, प्यारे से बच्चे बताओ। आप बताओ, शाबाश। छोटू आप बताए। हाँ, बताओ बताओ, शर्माते नहीं। शाबाश, आपका नाम क्या है? फिर मैं चॉकलेट भी दूंगा आपको, बड़ी वाली। आप बताओ, आप बताओ बच्चे, आप बताइए अपना नाम। नाम जो बता सकते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए और बताओ आप। ये बताएंगे सर यहाँ से। बताओ, चलो बताओ। मेरा नाम फहीम है और मैं बड़ा होकर बनना चाहता हूँ डॉक्टर। शाबाश। मेरा नाम काशी परसिद है, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। आप बताइए बच्चे। कशिर पर थी तुम्हें कशिर पर थी। बोलो, आप बताइए, आप आपका नाम क्या, क्या बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं करेगा बच्चे, प्लीज। आप बताइए, और कौन बचा इस तरफ की? आप बताओ, शाबाश। आप बताओ क्या बनना है अपना नाम? आपकी क्लियर है कि आप बड़े होके जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, और ये सब बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत। और कैसे? पढ़ाई, पढ़ाई करके आप टीचर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। बिना पढ़ाई के हम कुछ नहीं बन सकते। मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ पढ़ाई करके, और आप भी कल को यहाँ खड़े होंगे और ज्यादा पढ़ के, ठीक है ना? अभी तो आप कौन सी क्लास तक की हो? ठीक है ना, तो एट के बाद आपको नाइन्थ करनी है, फिर आपको टेंथ करनी है, फिर आपको प्लस वन करनी है, फिर प्लस टू, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपको मास्टर डिग्री करनी है, फिर आपको पीएचडी की डिग्री करनी है, कुछ को प्लस टू के बाद एमबीबीएस करनी है, कुछ को हमारे एनआईटी में एडमिशन लेना है इंजीनियर बनने के लिए। तो ये सारे कैसे बनेंगे हम पढ़ के? बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो सभी का, आप सभी का एक ही एम होना चाहिए कि स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपको अच्छे से पूरा वहां ध्यान लगा के, मन लगा के कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो चीज पढ़नी है। फिर घर आके अपना जो है थोड़ा सा खाना खाओ, फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाओ रात के 12 बजे तक, और सुबह 4 बजे उठ के फिर से पढ़ना शुरू करो। ऐसे नहीं बनते टीचर और इंजीनियर कि स्कूल गए थोड़ा सा पढ़ के आ गए और फिर आप बोले कि अब मैंने टीचर बन जाना है। उसके लिए 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। पता है आपको कितना आजकल कॉम्पिटिशन है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको रोज जो है 15-20 घंटे पढ़ना है। स्कूल से जैसे ही घर आओगे, थोड़ी देर अपना खाना कुछ खाया, थोड़े से खेले, और उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग गए।
समझ में आई बात? तभी आप जो है यहाँ NIT में कल को एडमिशन ले सकते हैं प्लस टू करके, और यहाँ से इंजीनियर करके आप जो है इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टरी करनी है, डॉक्टर बनना है, किसी का इलाज करना है किसी बीमारी का, तो फिर आपको MBBS करनी पड़ेगी, फिर आपको किसी दूसरी जगह पे पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, और फिर आपको जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, रोज अखबार पढ़नी पड़ती है, आपको जनरल नॉलेज की किताबें पढ़नी पड़ेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें जो आपको पता होगी। ठीक है, अगर टीचर एक जो साइंस कम्युनिकेशन का है, आप मैं देखता हूँ बच्चों को।